तुम्हारे लोग मार्वल ने वो रास्ता निकाल लिया है जिससे वो सीक्रेट वॉर्स को इस तरह से बनाएगा कि ये मूवी एंड गेम एवेंजर्स एंड गेम जैसी बिगेस्ट मूवी को भी पीछे छोड़ देगी। अब आपको ये तो पिछली कुछ वीडियो से पता ही चल गया होगा कि एवेंजर्स 5 में कुछ एवेंजर्स या कुछ हीरोज नहीं होने वाले, सुपर हीरोज की पूरी भीड़ लगने वाली है। एवेंजर्स 5 में भर भर के सूट्स आने वाले हैं एंड द ऑफिशियल नंबर इज 60+। यस, मार्वल प्रोजेक्ट से ऑफिशियली जो लोग बहुत ज्यादा क्लोज हैं उनका ये कहना है कि एवेंजर्स 5 में 60 से भी ज्यादा हीरोज होने वाले हैं। अब इनमें से कई सारे रिटर्निंग हीरोज भी होंगे, कई सारे एवेंजर्स होंगे, दूसरे साइड हीरोज भी होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में, इस पार्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा कि एवेंजर्स 5 में कौन कौन से ऐसे हीरोज हैं, ओजी एवेंजर्स हैं, स्ट्रीट लेवल हीरोज हैं, और कौन से ऐसे इंटरगैलेक्टिक लेवल हीरोज हैं जो एवेंजर्स 5 में एक्चुअल में होने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। चलो मुझे ये बताओ कमेंट करके कि एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल में कितने कितने सुपर हीरोज थे। गूगल मत करना, खुद से बताओ तो बताना। और भाई इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे होने वाले हैं जो आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज भी कर देंगे। तो हेलो गाइज, मेरा नाम हिमांशु एंड हीरोज की लिस्ट की शुरुआत करेंगे अपने ओजी एवेंजर्स से, जिसके बिना मार्वल का मतलब ही लगता है जैसे कुछ नहीं है। तो पहला हमारा ओजी एवेंजर जो कि एवेंजर्स 5 में आएगा वो है ऐसा सुपर हीरो जिसे कभी बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता, हमारा थॉर। अब हमें पता है कि थॉर वापस आएगा थॉर 5 में, और थॉर 5 की स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें एवेंजर्स 5 में थॉर के साथ जेन भी दिख सकती है। ऑल्दो शी वॉज खत्म, बट उसे वापस लाया जा सकता है, एंड मे बी हाइमडल को भी वापस लाया जा सकता है। इनके अलावा, मतलब थॉर के अलावा, जो कैरेक्टर श्योर हैं जो आएंगे एवेंजर्स 5 में वो होने वाले हैं वल्काइरी एंड कॉर्ग। इनका आना तो कंफर्म है बिकॉज ये बहुत पहले से ही, मतलब सारी मूवी में कैमियो करते ही फिरते हैं। नेक्स्ट फैमिली इज ऑफ हल्क। एवेंजर्स 5 में हल्क एंड शी हल्क तो होंगे ही ऑफकोर्स, एंड क्योंकि उन्होंने शी हल्क में इस शर्म से भीगे हुए अपने बिटवा को भी इंट्रोड्यूस किया था, तो बिटवा हल्क भी एवेंजर्स 5 में होना ही चाहिए, वरना उसे इंट्रोड्यूस करने का सेंस क्या था, केवल फैंस को क्रीप आउट करने के लिए। आफ्टर दैट हॉकआई आने वाला है जो कि पूरी तरह से श्योर है, और ऐसा ही एक श्योर कैरेक्टर जो एवेंजर्स 5 में होने वाला है वो है हमारा बैगन कैप्टन अमेरिका, अगर रेड हल्क उसे ब्रेव न्यू वर्ल्ड में मार मार के अनफिट ना कर दे तो। उसके बाद है वॉर मशीन, एंटमैन। अब वॉस्प का आना अभी श्योर नहीं है क्योंकि वॉस्प का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस, उन्होंने अभी ये बोला रिसेंटली कि वो एक्टिंग से रिटायरमेंट ले रही हैं, तो आई कैन नॉट से फॉर श्योर कि वॉस्प एवेंजर्स 5 में आएगी, बट हाँ हैंक पिम और जैनेट जरूर से आ सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग हीरो जो आ सकता है, वेल पीटर पार्कर हमारा फ्रेंडली पड़ोसी स्पाइडरमैन वो तो आएगा ही, बट स्पाइडरमैन 4 में क्या स्टोरी होगी उसके अकॉर्डिंग भाई कम चांसेस हैं, लेकिन चांसेस हैं कि हमें एवेंजर्स 5 में किसी पॉइंट पर माइल्स मोरेलेस का इंट्रोडक्शन भी देखने को मिल जाए। उसके बाद कुछ और ऑब्वियस नाम है जैसे कि टकलू बॉस, निक फ्यूरी, कैप्टन मार्वल और उसकी टीम, एंड मे बी पेपर पॉट्स भी आ सकती है अपने पर्सनल आयरन मैन सूट के साथ, जिसे पहनकर वो एंड गेम में भी आई थी, तो भाई टोनी के नाम पर जब वो उस बैटल में आई थी तो इस बैटल में क्यों ना आए। आफ्टर दैट स्कारलेट विच एंड विजन, इनका आना भी कंफर्म है बिकॉज वी नो कि मार्वल अभी इनकी एक अपकमिंग नई सीरीज पर काम कर रहा है, और नॉर्मल विजन यानी लाल टमाटर वाले विजन के साथ व्हाइट विजन भी हमें एवेंजर्स 5 में दिखाई दे सकता है। आफ्टर दैट लोकी एंड सिल्वी, एंड लोकी सीजन 2 के एंड में जो हुआ उसके बाद मार्वल कैसे इन्हें वापस लाता है, स्पेशली लोकी को कैसे लाता है, ये देखना भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे चाइनीज मोमो, शैंगची और केटी चैन पर, एंड मे बी शैंगची की सिस्टर ज़ाइलिंग भी आ जाए बिकॉज वो भी टेन रिंग्स के बहुत क्लोज रही है हमेशा से। अब चलते हैं अर्थ से बाहर थोड़ा ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, तो वहां पर है हमारे गार्डियंस। अब देखो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 को ये बोला गया था कि ये गार्डियंस की लास्ट मूवी होने वाली है, यानी अब गार्डियंस जो है वो अपनी मूवीज में नहीं आएंगे, बट हाँ दूसरी मूवीज में एज कैमियो वो आ सकते हैं, स्पेशली स्टार लॉर्ड का वापस आना तो कन्फर्म है। लेकिन स्टार लॉर्ड को छोड़कर और कौन कौन रिटर्न मारेगा इसके बारे में भाई अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। स्टिल हम ये मानकर चल सकते हैं कि मार्वल इन्हें पूरी तरह से रिटायर करने से पहले वन लास्ट टाइम एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स में तो जरूर से लाना चाहेगा। सो स्टार लॉर्ड तो कन्फर्म ही है आना, उसके साथ ड्रैक्स, नेब्यूला, मैंटिस, ग्रूट, रॉकेट, एडम वॉरलॉक, कॉस्मोस, क्रैगलिन एंड मे बी गमोरा। गमोरा कौन है? गमोरा क्यों है? उसके बाद आएंगे फैंटास्टिक 4 जिनकी मूवी नेक्स्ट ईयर आनी है, ये नेक्स्ट ईयर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और भाई फैंटास्टिक 4 आएगा तो डॉक्टर डूम भी इनके पीछे पीछे आएगा ही भाई। अगर फैंटास्टिक 4 कुत्ता है तो डॉक्टर डूम उसकी पूंछ है, वो भी बिल्कुल टेढ़ी। तो चार तो ये हो गए, मिस्टर फैंटास्टिक, स्यू, जॉनी स्टॉर्म और द थिंग। एंड हाँ, सिल्वर सर्फर का अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि फैंटास्टिक 4 में हमें सिल्वर सर्फर देखने को नहीं मिलेगा, वो बस एक टेंपरेरी सिल्वर सर्फर होगी, नॉट होगा
होगी। फिर आ जाते हैं मार्वल की थोड़ी सी मैजिकल मिस्टीरियस साइड में, जिससे आने वाले हैं डॉक्टर साहब, वोंग ऑब्वियसली, और मे बी क्लिया। ऑल्दो पहले मैं ये बोल चुका हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स 5 के मेन बैटल में शायद से नहीं होंगे, क्योंकि वो पर्दे के पीछे चीजों को एक बड़े लेवल पर मैनेज कर रहे होंगे, और वो एवेंजर्स 5 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जरूर से दिखाए जा सकते हैं। और हमें तो ये भी नहीं पता कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में क्या होने वाला है, उसकी स्टोरी किधर जाएगी। तो एवेंजर्स 5 में डॉक्टर स्ट्रेंज का आना मतलब बिल्कुल 100% कंफर्म मत मानना। हाँ, सीक्रेट वॉर्स में ही विल बी बैक 200%। सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल में वो बहुत मेन रोल प्ले करेंगे, जैसे एंड गेम में उन्होंने टोनी से कहा था ना, एक नंबर, और टोनी की वॉट लगवा दी थी, कुछ इसी तरह से सीक्रेट वॉर्स में वो जरूर से होंगे। फिर आ जाते हैं ब्लेड, मून नाइट, अगाथा का कह नहीं सकते, और आगे है मिडनाइट सन्स की और बची हुई टीम, जिसमें है घोस्ट राइडर, वेयरवुल्फ बाय नाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो, इतने सारे नाम गिनने के बाद हम ऑलमोस्ट 60 हीरोज को काउंट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन एज आई टोल्ड यू एवेंजर्स 5 में 60 नहीं, 60 प्लस हीरोज होने वाले हैं, और ये नंबर 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, मतलब 60 के आसपास, बट 60 प्लस हो सकता है, 70-75 के अराउंड ऐसे हो सकता है। तो और ऐसे कौन कौन से हीरोज हैं जो कि एवेंजर्स 5 में आ सकते हैं, एंड अगेन इसमें आपको बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग नाम मिलेंगे, तो चलो उन्हें भी देख लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं वकांडा की तरफ। तो वी नो कि वकांडा भी होगा इस ह्यूज मल्टीवर्सल बैटल में, तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा शुरी का ब्लैक पैंथर, ओकोई, आयरन हार्ट, बेसिकली इसे आप एक मेड इन चाइना आयरन मैन भी कह सकते हो। उसके बाद है टचाला का बिटवा, टचाला जूनियर, बट लेट मी टेल यू, टचाला जूनियर में भी एक छोटा सा कैमियो कर सकता है जब हमें वकांडा का सीन वगैरह दिखाया जाए। मतलब Honestly, यार, he is too small to play Black Panther. अभी ना उसके पास कोई battle experience है, और भाई अगर केवल सूट पहनने से ही लोग सुपर हीरो बन जाते तब तो हम आयरन हार्ट को ही सर पे बिठा लेते। तो बिटवा तो अभी काफी छोटा है, लेकिन हाँ, मे भी उसका एक कैमियो हो सकता है जब कैमरा वकांडा की तरफ घूमेगा। और उसके बाद अब स्पेस और गैलेक्सी ट्रेवल करने के बाद वापस से थोड़ा जमीन पर आ जाते हैं, कानपुर और नागपुर की तरफ आ जाते हैं, बेसिकली बात कर लेते हैं स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज की जो कि एवेंजर्स 5 में होने वाले हैं। तो सबसे नंबर 1 पर जो सुपर हीरो कन्फर्म है वो है डेयर डेविल। डेयर डेविल तो होगा ही होगा भाई, फॉर श्योर। उसके साथ में भी हमें पनिशर का कोई अल्टरनेट वर्जन भी देखने को मिल सकता है, एको भी आ सकती है। आफ्टर दैट वी हैव यंग एवेंजर्स, फिर है हमारी अमेरिका शेवेज, और हालांकि ये जितना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती उससे ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, बट स्टिल वो अपनी मल्टीवर्सल पावर के चलते बेहद इंपॉर्टेंट है, सो शी विल बी इन एवेंजर्स 5। फिर अगर आप इटर्नल्स को भूल गए हो तो याद दिला देता हूँ, ऑल्दो एट दिस पॉइंट ऑलमोस्ट एवरीवन हैज फॉरगॉटन अबाउट देम, आई डोंट नो, बट दे माइट बी इन एवेंजर्स 5, कांट से फॉर श्योर। उसके बाद आ जाते हैं कुछ एक रैंडम कैरेक्टर्स लाइक थंडरबोल्ट्स, इंक्लूडिंग येलेना बेलोवा, रेड गार्डियन, बकी बांस एक्सेट्रा, एंड नाउ एट लास्ट वी हैव द मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स, एंड दीज आर रियली 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 एक्साइटिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई सबसे पहले तो इनमें होने वाले हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन, इन दोनों का आप भूल गए थे ना, ये दोनों ऑफ कोर्स एवेंजर्स 5 में होंगे ही होंगे। अब इनमें से थंडरबोल्ट से, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से, और भी कई सारी अलग अलग टीम से कई सारे ऐसे हीरोज हैं जो नहीं आएंगे, एक्चुअल में एवेंजर्स 5 में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम भी मैंने आपको बता दिए जो एक्चुअल में एवेंजर्स 5 में 200% होने वाले हैं। और भाई आयरन मैन को अभी मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज जहां तक मुझे लगता है ही विल बी बैक फॉर द फाइनल बैटल ऑफ सीक्रेट वॉर्स। अभी तक भाई जो रिपोर्ट्स आई हैं वो तो इसी तरफ इशारा करती हैं, क्योंकि भाई आयरन मैन के रिटर्न के लिए मार्वल जब आरडीजे को इतना सारा पैसा देगा तो फैंस सबसे ज्यादा शॉक्ड तब होंगे जब एवेंजर्स 5 में हमें आयरन मैन का कोई भी नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा, फैंस थोड़ा सा उदास हो जाएंगे। और सीक्रेट वॉर्स में एकदम फाइनल पॉइंट में भाई जैसे अंडरटेकर की एंट्री होती ना, कुछ उसी तरह से धड़धड़ाते हुए आयरन मैन आएगा और पूरा एकदम बैटल ग्राउंड की मतलब टेबल्स ऐसे पलट देगा, तब भाई जो उस समय मजा आएगा ना पूछो मत। सो हाँ, आरडीजे विल बी बैक, मेरा मतलब मुझे पक्का यकीन है, रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि ही विल बी बैक इन सीक्रेट वॉर्स, बट फॉर द फाइनल बैटल ऑफ सीक्रेट वॉर्स। और हाँ, पहले आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सो गाइस, अब आपको क्या लगता है कौन कौन से एवेंजर्स, कौन कौन से हीरोज एवेंजर्स 5/कैंग डायनेस्टी में आने चाहिए, मुझे कमेंट करके बताओ। इसके साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को भी सब कर लेना, ताकि आने वाली मार्वल अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू next one।